पैसा ये उतना ही जरूरी है जितना हमारे बाबूराव का गलत जगह अपना मुंह खोलना। शमाइला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़े। पर आपको ये नहीं पता होगा कि जो नोट आपके पास है वो आखिर बनते कैसे हैं और एक 200, 500 और 2000 के नोट को बनाने में कितना खर्च आता है। तो चलिए दोस्तों इस फैंटास्टिक सफर को शुरू करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि नोट बनाने में एक नॉर्मल पेपर यूज होता है तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। इन नोटों को बनाने के लिए कॉटन का यूज होता है। इसके लिए कॉटन के बड़े बड़े सेट को ब्लेंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर कॉटन यहाँ से पीस कर एक मिक्सर में चला जाता है जहाँ पानी और पेपर का पल्प बना होता है। फिर यहाँ से अच्छे से मिक्स होने के बाद मिक्सर का पानी निकाल दिया जाता है। फिर इसे पेपर का शेप दे दिया जाता है। अब इस पर वाटरमार्क लगाया जाता है उजाले में साफ साफ दिखे। इसके लिए पेपर को हाई प्रेशर रोलर से निकाला जाता है। अब इस पेपर को बड़े से रोलर में रोल कर दिया जाता है। फिर इस पेपर की क्वालिटी चेक होती है। यहाँ से पास होने के बाद रोलर को 3 हिस्सों में काट दिया जाता है ताकि वर्कर्स को आसानी हो। अब बारी आती है इस पे होलोग्राम लगाने की। ये वही है जो नोट पे आपको चमकता हुआ दिखता है। अब होलोग्राम लगे पेपर को शीट के साइज में काट दिया जाता है। फिर इन पेपर को जमा कर रखा जाता है ताकि आगे की प्रोसेस सही से हो सके। अब ये पेपर प्रिंटिंग मशीन में जाने लगे। इस मशीन में नोट के हिसाब से कलर को लगाया जाता है जैसा ये दीदी लगा रही है। अब नोटों की प्रिंट चालू हो गई है। प्रिंटिंग के बाद इस पेपर को फिर जमा के रखा जाता है। इसके बाद पेपर की काउंटिंग की जाती है। फिर पेपर को एक बार और चेक किया जाता है। इसके बाद बारी आती है टेक्सचर प्रिंटिंग। टेक्सचर प्रिंटिंग के बाद इस पे नंबर डाले जाते हैं। अब बारी आती है इनकी फाइनल कटिंग की। इसके बाद मशीन नोटों का बंडल बनाकर उसे स्लिप से टाइट कर देती है। फिर नोटों को प्लास्टिक में पैक करके ATM या बैंक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों इंडियन बैंक में अभी तक के कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनी है इसलिए मैंने आपको यूरोपियन बैंक का एग्जांपल दिया है, पर प्रोसेस सब जगह सेम होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक 200, 500 या 2000 के नोट को बनाने में कितना खर्च आता है। 200 के नोट को बनाने के लिए 2.93 रुपये खर्च होते हैं। 500 के नोट को बनाने के लिए 2.94 रुपये खर्च होते हैं और 2000 के नोट को बनाने के लिए 3.34 रुपये का खर्च आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक के पहुँच गए मतलब आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक भी मेरे लिए छोड़ कर जाएँ। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है।